एक बात स्पष्ट कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं मिटा सकती। कदम पार्टी और पार्टी के नेताओं के द्वारा उठाया जा रहा है, जिसमें यकीनन आने वाले दिनों में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से ये संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता लेता है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जितने भी अधूरे कार्य हैं, जितने भी उनके अधूरे सपने हैं, उनको पूरा करना, उनके विचारों को घर घर तक लेकर जाना। और खास तौर पर आज जब मैं यहाँ बिहार में मौजूद हूँ, एक बिहारी होने के नाते ये वादा मैं भी लेता हूँ और ये संकल्प मैं पुनः दोहराता हूँ कि अपने नेता के सपनों का बिहार को बनाने के संकल्प के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये कारवां निकला है। मेरे नेता के जाने के बाद कई लोगों ने प्रयास किया पार्टी को समाप्त करने का, कई लोगों ने षड्यंत्र रचा कि किस तरीके से मेरे नेता के विचारों को पूरी तरीके से खंडित कर दिया जाए, किस तरीके से उनके सपनों को कभी पूरा ना होने दिया जाए। और कई बड़ी ताकतें, कई बड़ी शक्तियों ने एक अहम भूमिका इसमें निभाई, पर पिछले 2 सालों में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से हमारे नेता के सपनों को, उनके विचारों को मजबूती से धरातल पर उतारने का कार्य किया, मैं जहां एक तरफ अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं। पिछले 2 साल यकीनन हम सबके लिए कठिन रहे, संघर्षपूर्ण रहे, पर बिना हिम्मत हारे हुए, बिना विचलित हुए हुए, बिना परेशान हुए हुए, जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता पे विश्वास रखने वाले लोग मजबूती से पार्टी, पार्टी के संगठन, पार्टी के जनाधार और हमारे नेता के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कार्य किया, जहां एक तरफ मैं तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ, वहीं आज स्थापना दिवस की तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस अवसर पर प्रदेश में कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया है, एक पहल है प्रदेश के नेताओं के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी के तमाम प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, कि सुनियोजित तरीके से पार्टी का कार्य चलता रहे, उसके लिए एक विधि व्यवस्था के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पर कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। अंतोगत्वा हम लोगों की सोच है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव और संभवतः उसी के साथ या उस दौरान होने वाले बिहार में मध्यवर्ती चुनाव में किस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो हमारे नेता का सपना रहा, उसको हम लोग कैसे मजबूती से धरातल पर उतारें और कैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार हमारे प्रदेश में बने, उसको लेकर सुनियोजित तरीके से पार्टी की रणनीति, पार्टी की कार्यशैली को लेकर हर वो संभव कदम पार्टी और पार्टी के नेताओं के द्वारा उठाया जा रहा है, जिसमें यकीनन आने वाले दिनों में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। और जैसा मैंने कहा कि आने वाले चुनाव में यकीनन पार्टी, पार्टी के नेताओं की, हमारे कार्यकर्ताओं की नज़र है, उसमें कैसे पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर जनता के बीच जाए और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की आने वाले दिनों में कैसे सरकार बने, इन तमाम विषयों को लेकर आज विभिन्न जिलों में चर्चा हो रही है। इन तमाम बैठकों के बाद पुनः हम लोग प्रदेश में तमाम हमारे प्रभारी, तमाम हमारे जिला अध्यक्ष जब अपने अपने जिला की समीक्षा रिपोर्ट लेकर, कार्यक्रम की रिपोर्ट लेकर वापस आएंगे, आने वाली रणनीति को उसी के आधार पर बनाया जाएगा। मुझे लगता है जब सवाल समाप्त होने लगते हैं तब ऐसे प्रश्न उठते हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं मिटा सकती। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को कोई नहीं मिटा पाया, तो पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ विलय करने की सोच भी असंभव है।